हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। एबीवीपी के प्रदेश सह मंत्री सुंदरानी की प्रेस वार्ता। भर्ती प्रक्रिया की तैयारी में लगे हुए युवाओं को अतिरिक्त बेरोजगारी भत्ता दे सुंदरा। गरीब तबके छात्रों के साथ प्रतियोगिता परीक्षा का पेपर आउट कराकर युवाओं के साथ सरकार ने अन्याय किया सुंदरा। राजस्थान में सरकार की उच्च शिक्षा के प्रति उदासीनता निंदई सुंदरा। बाड़मेर आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जोधपुर प्रांत के प्रदेश सह मंत्री भोम सिंह सुंदरा ने राज होटल में प्रेस वार्ता करते हुए अभाविप का 57वां प्रांतः अधिवेशन 24 और 25 मार्च जैसलमेर में आयोजित हुआ था, जो प्रस्ताव पारित किए गए थे। प्रस्ताव क्रमांक 1, राजस्थान में सरकार की उच्च शिक्षा के प्रति उदासीनता, राजस्थान का वर्तमान परिदृश्य। इस संदर्भ में प्रेस वार्ता करते हुए सुंदरा ने कहा कि वर्तमान राजस्थान सरकार की निर्कुशलता एवं कोरोना महामारी के कारण प्रदेश की उच्च शिक्षा की दिशा एवं दशा दोनों ही विकट मोड़ पर है। जहां केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति 2021 में लागू करने के दिशा निर्देश जारी कर युवाओं के भविष्य संजोने के अवसर प्रदान किए हैं, परंतु प्रदेश में आज तक कोई नवीन पाठ्यक्रम बनाने एवं लागू करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं बढ़ाए हैं। गत 2 वर्षों से ऑनलाइन शिक्षण के नाम पर खानापूर्ति की जा रही है। जहां प्रदेश के कई स्थानों पर सुचारू इंटरनेट की आधारभूत सुविधा नहीं है, वहां शिक्षकों को बिना प्रशिक्षण के ऑनलाइन कक्षाओं का भार थोप दिया गया है। इस स्थिति में शिक्षक एवं विद्यार्थी दोनों ही दिग्भ्रमित है। गत वर्ष संपन्न हुई रीट पटवार पुलिस उप निरीक्षक आरएएस पशु चिकित्सक एवं अन्य परीक्षाओं में व्यापक धांधली के उजागर होने के बावजूद किसी भी प्रकार की कोई अपेक्षित कार्रवाई नहीं करना युवाओं के साथ अन्याय किया था। परिषद ने इस संदर्भ में प्रदेश भर में आंदोलन कर सरकार को अवगत कराया था, परंतु आज तक कार्रवाई लंबित है। इसी क्रम में सरकार ने नए महाविद्यालय खोले गए हैं, परंतु महाविद्यालय के भवनों में बिना शिक्षकों के संचालित हो रही है। सरकार शिक्षकों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करे। इसी क्रम में सरकार ने नए महाविद्यालय खोले गए हैं, परंतु महाविद्यालय के भवनों में बिना शिक्षकों के संचालित हो रही है। सरकार शिक्षकों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करे। इसी क्रम में परीक्षा एवं परिणाम समय पर हो, उनकी पारदर्शिता के लिए जवाबदेहिता तय करे। नवीन महाविद्यालय में आधारभूत सुविधाओं के साथ साथ छात्र शिक्षक अनुपात में नियुक्तियां करें एवं साल भर से तैयारी में लगे युवाओं को अतिरिक्त बेरोजगारी भत्ता दें। भर्ती प्रक्रिया के संपन्न होने का संपूर्ण समय सारणीबद्ध विवरण तय हो। नगर मंत्री जुजार सिंह परमार ने कहा कि राजस्थान में कानूनी व्यवस्था बिगड़ी हुई है। पिछले वर्षों में अपराध का ग्राफ राजस्थान में तेजी से बढ़ रहा है। राजस्थान में रहने वाली आम जनता खुद को असुरक्षित महसूस करने लगी है। महिला उत्पीड़न, मानव तस्करी, जमीनों पर कब्जे, नशाखोरी, बेरोजगारी अपनी चरम सीमा को पार कर चुकी है। इस दौरान कॉलेज इकाई अध्यक्ष आरती अग्रवाल उपस्थित रहे। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए प्रदेश सह मंत्री भोम सिंह सुंदरा इन्होंने ये कहा, साथ में प्रयोगशाला कर्मचारी एवं पुस्तकालयों में किताबें एवं कर्मचारी नगण्य नहीं के बराबर है। साथ में विद्यार्थी परिषद मांग करता कि शिक्षकों के विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करें। इसी क्रम में परीक्षा परिणाम समय पर हो, उनकी पारदर्शिता और उनके लिए जवाबदेहिता तय करें। नवीन महाविद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं के साथ साथ छात्र शिक्षक अनुपात नियुक्तियाँ करें। विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा में राजीव गांधी स्टडी सर्किल के माध्यम से अप्रत्यक्ष राजनीतिकरण बंद हो, ताकि शिक्षक का उन्नयन हो और नवीन शिक्षा नीति अनुसार पाठ्यक्रम को लागू करने की दिशा निर्देश शीघ्र जारी करें। उच्च शिक्षा में UGC की निर्देश को लागू समय पर करने के लिए विश्वविद्यालय एवं कॉलेज शिक्षा को पावन करें। साथ में भर्ती प्रक्रियाओं की पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए रीट परीक्षा धांधली की आरोपी को सख्त सजा दे और साल भर में तैयारी में लगे हुए युवाओं को अतिरिक्त बेरोजगारी भत्ता दे। साथ में भर्ती प्रक्रियाओं में संपन्न होने का संपूर्ण समय सारणीबद्ध विवरण तय हो। साथ में निजी विश्वविद्यालयों की मान्यता के लिए UGC के मापदंडों की अक्षर पालना की जाए तथा उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और संबंधित मापदंड बना रहे। साथ में राजस्थान का वर्तमान परिदृश्य पर बात करेंगे। जागरूक टीवी के लिए बाड़मेर से ठाकरा मेघवाल की रिपोर्ट।